नहीं खाली है, आप कहीं पर भी जाकर। आप लोग से बता नहीं सकते कि गुटखा पान बीड़ी सब खा के इसको में थूक देते, क्या इसलिए हमारा इंडिया रेलवे है थूकने के लिए? आप इसी। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप लोग का? हम अंकित वापस से आपको एक न्यू ट्रेन जर्नी पे लेकर चलते हैं, और आज आपका भाई का ट्रेन जर्नी होने वाला है 03:50 राजगीर स्पेशल ट्रेन में। तो भाई साहब, ये जो छठ पूजा है ना, इस वजह से एक राजगीर स्पेशल ट्रेन दिया गया है, तो देखते हैं कैसा है ट्रेन और क्या है होने वाली है जर्नी, क्या होती है, कितना क्राउड रहता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रेन की तो अपनी ट्रेन में पूरा देख सकते हैं, पूरा ट्रेन ही खाली है। और भाई साहब, इसमें पानी देख रहे हैं ना, पलामू से आ रही है, और इसका कोई भी साफ सफाई नहीं किया गया और डायरेक्ट ये साइड निकल गया। तो और ये अपनी ट्रेन है ना, जो कि पहले चलते थे, तो एक बार और वीडियो हम बनाए थे तो आप लोग देखे थे और उसका अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे। उस समय जो मेरा वीडियो आया था तो आप स्पेशल मेला एक्सप्रेस देख रहे थे, और कोई ट्रेन नहीं, यही ट्रेन है, समझ गए ना। यही ट्रेन को मेला एक्सप्रेस बनाकर भी चलाया जा रहा था, उसी ट्रेन को फिर से स्पेशल ट्रेन करके बना दिया गया, और कोई दूसरा ट्रेन नहीं, हमको लगा कोई दूसरा ट्रेन है। देखते हैं अपनी ट्रेन की, यहाँ से हो रही है डिपार्चर फतुहा रेलवे स्टेशन पर से। और ये देखिए कितना क्राउड है भैया, अभी सरंजीवी एक्सप्रेस निकलने वाली है, तो सरंजीवी एक्सप्रेस का भी भीड़ बहुत ज़्यादा है इस पर। उधर लगा हुआ है गोमो का रैप नाइल को बाय बाय फतुहा, मिलते हैं फिर कभी और किसी और नेक्स्ट जर्नी पर। हम ऑटर पर रुके हुए हैं फतुहा रेलवे स्टेशन की, और भाई साहब इस ऑटर पे अभी हम देख रहे हैं भारत गैस, देख सकते हैं, तो ये भारत गैस एजेंसी है, और यहीं से पूरा मतलब पटना जिला, नालंदा जिला, सभी जगह पर गैस यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है, समझ गए ना। तो उसका अथी है गोडाउन नहीं, फैक्ट्री ही कह सकते हैं, जहाँ पर रिफिल किया जाता है, मतलब कि भारत गैस को रिफिल किया जाता है, वहाँ पर है। भाई साहब, अपनी ट्रेन की अराइवल हो चुकी है खुसरूपुर रेलवे स्टेशन पर, देख सकते हैं। बारह किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुंच चुके हैं खुसरूपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड होता है KOO। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहां पर दो है, और भाई साहब लगभग ट्रैक की बात करें तो तीन है। लगभग 45 ट्रेन का अच्छा खासा हॉल्ट है, और यहां से एक भी ट्रेन ना ही ऑरिजिनेट होती है और ना ही टर्मिनेट होती है। और भाई साहब, इस रूट का जो है ना, इस रूट का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन, अगर ये जो बोलते हैं कि सब रेलवे स्टेशन महत्वपूर्ण है, तो आप इस रूट में अगर ट्रेवल किए हैं और अगर इस रूट के हैं, तो उनसे पूछिए कि कितना महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है खुसरूपुर, तो पता लग जाएगा। और यहाँ पर है ना, इस ट्रेन का अपने निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट के डिले पर आई है, तो समझ सकते हैं हुआ का ना कि फतुहा में आउटर पर इस ट्रेन को रोक दिया गया, लगभग 10 मिनट है जो कि इसको डिले कर दिया गया। तो चलिए अब आपको मिलते हैं इसका अगला स्टॉपेज बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन की यहाँ से हो रही है डिपार्चर, से लिए हैं चना, और चना भाई साहब बहुत काफ हो रहा था,
देखिए क्रॉसिंग हो रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। यार पानी नहीं लगेगा जब पानी में दिक्कत हो जाएगा। देख सकते हैं अपनी ट्रेन की अराइवल हो चुकी है बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर। और वो साइड लगा हुआ है छठ पूजा स्पेशल ट्रेन, देख सकते हैं उसमें लगा हुआ है बैप फोर लोकोमोटिव। लगभग 21 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुंच चुके हैं बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड होता है BKP। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो 5 है, ट्रैक की बात करें तो 6 है। और यहाँ पर लगभग 46 ट्रेन आकर अच्छा खासा होल्ड करती है। और यहाँ से 2 ट्रेन डेली ऑरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। देख सकते हैं ये सारी छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चल रही है। अब कहाँ जा रही है जो नहीं पता, क्योंकि न्यू ट्रेन है। आसनसोल का BF7 लोकोमोटिव लगा हुआ है। अब भाई साहब बूट लिए मतलब चना, देख सकते हैं। और ये सवारी गाड़ी, अच्छा तो ये ट्रेन है जो कि समस्तीपुर से आ रही है और ये चले जाएगी समस्तीपुर सासाराम। ट्रेन है मतलब कि ये लोकल पैसेंजर ट्रेन है। ऐसे छठ पूजा भी ऐसा ही चल रहा था तो हमको लगा छठ पूजा स्पेशल ट्रेन से होगी। तो चलिए मिलते हैं इसका अगला स्टॉपेज बख्तियार हरनौत रेलवे स्टेशन पे। साहब अपनी ट्रेन की यहाँ से हो रही है डिपार्चर। मेरा जहाँ मेरा वीडियो सब बनाता है जी, अभी वीडियो तो देख सकते हैं अपनी ट्रेन की बख्तियारपुर से हो रही है डिपार्चर। और हमारा ये नहीं समझ में आता कि हमारा वीडियो वा बना रहा था कि ट्रेन वा के, ये नहीं समझ में आया। तो मलवास मेला वाला जो ट्रेन था ना, वही ट्रेन को परमानेंटली कर दिया गया है। अब इससे आप बरकान आनंद से देख सकते हैं। देख लीजिए ऐसा नौटंकी मत करिए, देखिए कैसे कैसे करते हैं इसमान महाराज। गिर उड़ जाइएगा तो गिर उड़ जाइएगा तो ऐसे लोहंडा हो जाएगा। अरे पीछे से आ रहा है, पीछे से ट्रेन आ रहा है तो देखिए ऐसे मत करिएगा ना तो हो जाएगा लोहंडा। मतलब समझ ही रहे होंगे कहाँ कहना चाह रहे हैं। मत चढ़िए महाराज, सीटिंग पैसेंजर है, पूरा सीटिंग पैसेंजर भाई साहब, कोई भी नहीं, सीट भी पूरा खाली ही है, समझ गए ना। और चार्जिंग सॉकेट उस टाइम नहीं चलता था लेकिन अभी देख रहे हैं। पटना जंक्शन से लगभग 55 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुंच चुके हैं हरनौत रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड होता है HUT। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहां पर 3 है। और हरनौत इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहां पर ICF कोच जो होता है ना, उसका मेंटेनेंस कार बगल में बना हुआ है। इस वजह से हरनौत में जितना भी मतलब ICF कोच हो गया, ये वाला डब्बा ब्लू वाला या पीला वाला, उसका मेंटेनेंस बगल में होता है। इस वजह से हरनौत फेमस है। और यहाँ पर लगभग इस रूट का सभी ट्रेन का, बस सारनाथ को छोड़कर मतलब बुद्ध पूर्णिमा को छोड़कर सभी ट्रेन का अच्छा खासा हॉल्ट है। और यहाँ से ना ही कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। और भाई साहब इस ट्रेन की बात करें तो अपने निर्धारित समय से लगभग 30 मिनट की डिले पर यहाँ पर पहुँची है। तो देख सकते हैं सिग्नल हो चुकी है और यहाँ पर इस ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था।
तो चलिए मिलते हैं आपसे इसका अगला स्टॉपेज बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन, और देख सकते हैं गार्ड साहब हरा झंडी दिखा रहे हैं। अपनी ट्रेन की अराइवल हो रही है बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर, देख सकते हैं। और न्यू प्लेटफॉर्म बनाया गया है यहाँ। लगभग 74 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन को होता है BESH। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो 5 है, और बिहार शरीफ जंक्शन पॉइंट इसलिए होते हैं क्योंकि यहां से एक लाइन दनियामा की ओर निकल जाती है और एक लाइन शेखपुरा की ओर निकल जाती है, और शेखपुरा वाला लाइन अभी चालू नहीं हुआ, और इस रूट का सभी ट्रेन का यहाँ पर अच्छा खासा हॉल्ट है, और लगभग इस रूट में 8 ट्रेन चलती है और 8 ट्रेन का ही यहाँ पर हॉल्ट है। और इस रूट का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन माना जाता है क्योंकि यहाँ से लगभग 50,000 पब्लिक है जो कि डेली यहाँ से अप डाउन करते हैं, मतलब कि इस रूट का जितना भी पब्लिक है ना सब बिहार से रेलवे स्टेशन से ही चढ़ते हैं और उतरते हैं। तो इस ट्रेन का यहाँ पर लगभग 2 मिनट का हॉल्ट है और हो चुकी है सिग्नल, और भाई साहब बता दें अपने निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट की डिले पर अभी यह ट्रेन पहुँची है। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसका अगला स्टॉपेज पावापुरी रेलवे स्टेशन। हो रही है अपनी ट्रेन की डिपार्चर, देख सकते हैं काफी अच्छा क्राउड रहता है यहाँ पर बना हुआ हमेशा। तो बाय बाय बिहार शरीफ, मिलते हैं कभी और किसी और ट्रेन से। लाइन जो है इससे पूरा क्यों निकल जाती है, तो आप लोग का कंफ्यूजन था कि कौन सी ट्रेन जाती है, तो भैया ये स्पेशल ट्रेन बरका नाना वाला जो था ना वही चल रही है और कोई दूसरा स्पेशल ट्रेन नहीं है। हमको भी लग रहा था कि बरका कौन सा ट्रेन आया स्पेशल जो कि चल रहा पटना स्पेशल राजगीर ट्रेन, तो ये बरका नाना जो ट्रेन था राजगीर मलमास मेला में उस वक्त भी हम इस ट्रेन का एक वीडियो बनाए थे जो कि अच्छा खासा रिस्पांस रहा था आप लोग के लिए, आप लोग ने दिया था तो थैंक यू आप लोग को। और वही वाला ट्रेन है जो कि अभी भी देखिए कि रनिंग कर रहा लगातार, ये नहीं हुआ कि दूसरा चेंज कर दिया गया, बस वही ट्रेन को रेगुलर कर दिया गया, समझ गए ना। तो आप मान के चल सकते हैं कि पटना राजगीर से आप पलामू तक के इस ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं, और हाँ पलामू से आप राजगीर तक इस ट्रेन से भी सफ़र कर सकते हैं। तो जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इसका फुल जर्नी लाए और आप लोग को मज़ा आए देखकर। तो उम्मीद करते हैं अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी ट्रेन की अराइवल हो चुकी है राजगीर रेलवे स्टेशन पर, देख सकते हैं।
लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुंच चुके हैं राजगीर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड होता है RJD। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर पाँच ट्रेन डेली ऑरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है, और यहाँ पर लगभग 8 ट्रेन का अच्छा खासा हॉल्ट है। भाई साहब बात करें इस ट्रेन की तो अपने निर्धारित समय से लगभग 20 मिनट के डिले पर आई है, 20 मिनट की देरी से आई है। तो उम्मीद करते वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और चैनल बाग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लगातार अपने भाई के साथ ट्रेन जर्नी करते रहे। सी यू सून, टेक केयर, बाय, जय हिंद।